Hello friends, my name is Deepak Kaldone and you are welcome to our channel Forensic Search. In this video, we will see a question paper of scientific assistant in Forensic Science Laboratory. And this question paper is of junior scientific assistant in Biology Division. This question paper is of Forensic Science Laboratory, Tamil Nadu. And that examination was held in 2016. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट इन बायोलॉजी इस एग्जाम में बायोलॉजी के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये वीडियो स्पेशली आपको इम्पोर्टेंट रहेगा फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट इन फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एज वेल एज साइंटिफिक ऑफिसर और साइंटिफिक असिस्टेंट इन द डिविजन ऑफ बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, हम देखेंगे इस वीडियो में कि ये बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड उनका करेक्ट आंसर क्या है। चलो तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ बायोलॉजी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर इन फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी इन बायोलॉजी डिविजन। सो ये वीडियो आपको साइंटिफिक असिस्टेंट इन बायोलॉजी डिविजन एज वेल एज इन सीरोलॉजी डिविजन, इसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलो तो हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। इन दिस क्वेश्चन पेपर देयर आर टोटली 200 क्वेश्चंस। इस वीडियो को हम टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम 100 क्वेश्चन देखेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग 100 क्वेश्चन देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ एंगुमोइड्स ब्रेन माउथ सिटोरोगा सेरेलिला डैमेजेस द व्हीट एंड पेरिग्रेन्स। तो उसके फोर ऑप्शन दे, ऑप्शन ए में कैटरपिलाई, ऑप्शन बी ग्रब, ऑप्शन सी मॉथ एंड ऑप्शन डी एग्स। तो उसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज कैटरपिलाई। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ केमिकल ट्रीटमेंट व्हिच इज एन इफेक्टिव कंट्रोल मेजर अगेंस्ट द लीफ एंड प्लांट हॉपर्स एग्स। ऑप्शन ए क्विनोल, ऑप्शन बी फाइलोक्विनोल एंड क्विनोन, ऑप्शन सी एंडोसल्फान एंड कार्बोपुरान एंड ऑप्शन डी मेटिक्लोर एंड एम्पीसिलिन। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज इंडोसल्फान एंड कार्बोपुरान। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लार्वा विच एक्ट्स एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द इकोनोडर्म्स एंड क्वाड्रेट्स। ऑप्शन ए स्टारफिश एंड एम्पियोक्सस, ऑप्शन बी ग्लोटिडियम लार्वा, ऑप्शन सी ऑरिकुलरिया लार्वा एंड ऑप्शन डी लार्वा ऑफ स्टारफिश एंड एम्पियोक्सस। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज ऑरिकुलरिया लार्वा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन की कैरेक्टर ऑफ ए नॉन पॉइजनस स्नेक नेम एरिक्स जॉनी। ऑप्शन ए में दिया है फूड ऑन द डॉर्सल साइड, ऑप्शन बी रैटलिंग साउंड बाय द टेल, ऑप्शन सी टेल इज शॉर्ट एंड प्रीहेंसाइल, ऑप्शन डी ब्लंट टेल विच रिजेम्बल्स हेड। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ब्लंट टेल विच रिजेम्बल्स हेड। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लामार्किज्म वाज प्रपोज्ड बाय द फ्रेंच इवोल्यूशनिस्ट लैमार्क इन द ईयर 1809 एंड इट स्टेट्स दैट ऑप्शन ए जर्म प्लाज्म थ्योरी, ऑप्शन बी यूज एंड डिसयूज थ्योरी, ऑप्शन सी थ्योरी ऑफ पेंजियोजेनेसिस एंड ऑप्शन डी स्पीशीज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ सेल। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज यूज एंड डिसयूज थ्योरी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्ल इज सिक्रेटेड एज अ प्रोटेक्टिव मेजर बाय द ऑप्शन ए मेंटल, ऑप्शन बी रेडुला, ऑप्शन सी बाइसस एंड ऑप्शन डी हिमोसेल। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज मेंटल। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मेडियन डॉर्सल स्पाइन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लार्वल फॉर्म। ऑप्शन ए माइसिस, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी जोआ, ऑप्शन डी एलिमा। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज जोआ। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Pseudophilus oryzae is a pest of,
ऑप्शन ए स्वीट पोटैटो, ऑप्शन बी राइस, ऑप्शन सी टोपियोका एंड ऑप्शन डी ब्रिंजल। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज राइस। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंजेस इन द जीन फ्रीक्वेंसी ब्रॉट अबाउट प्योरली बाय चांस इन स्मॉल पॉपुलेशंस इज कॉल्ड, ऑप्शन ए जेनेटिक ड्रिफ्ट, ऑप्शन बी मेटामेरिज्म, ऑप्शन सी म्यूटेशन एंड ऑप्शन डी रिकॉम्बिनेशन। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेमिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय टू नेम्स इज कॉल्ड, ऑप्शन ए ट्राइनोमियल नॉमिनक्लेचर, ऑप्शन बी नेचुरल नॉमिनक्लेचर, ऑप्शन सी बायनोमियल नॉमिनक्लेचर एंड ऑप्शन डी आर्टिफिशियल नॉमिनक्लेचर। सो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज बायनोमियल, ऑप्शन सी दैट इज बायनोमियल नॉमिनक्लेचर विच वॉज गिवन बाय कार्लस लिनियस। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीगन बॉडीज हैव अ डबल वॉल कैप्सूल इनक्लोजिंग अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड, ऑप्शन ए ग्लोमेरुलस, ऑप्शन बी लूप ऑफ हेनले, ऑप्शन सी कॉर्टेक्स एंड ऑप्शन डी कैलेक्स। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज ग्लोमेरुलस। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द डैश डैश ऑफ द आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ऑप्शन ए अल्फा सेल्स, ऑप्शन बी गामा सेल्स, ऑप्शन सी बीटा सेल्स एंड ऑप्शन डी सिग्मा सेल्स। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज बीटा सेल्स। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मसल्स विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ स्केलेटल सिस्टम वेयर ग्रुप्ड एज, ऑप्शन ए अनस्टाइटेड मसल्स, ऑप्शन बी इनवॉलेंट्री मसल्स, ऑप्शन सी एटोनॉमिक मसल्स एंड ऑप्शन डी स्ट्राइटेड मसल्स। सो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज स्ट्राइटेड मसल्स। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ हार्मोन, ऑप्शन ए मेटाबॉलिज्म इन सेल्स, ऑप्शन बी ग्रोथ ऑफ ए बॉडी, ऑप्शन सी ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स एंड ऑप्शन डी पार्चुरेशन। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट ऑफ क्लीवेज प्रोसेस इज डिटरमाइंड बाय, ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी ऑस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन एंड ऑप्शन डी स्पर्म एंड एग। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज साइटोप्लाज्म। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटुकमेंट स्किन इज डिराइव्ड फ्रॉम द जर्मिनल लेयर नेम्ड एज, ऑप्शन ए एक्टोडर्म, ऑप्शन बी इंडोडर्म, ऑप्शन सी मेसोडर्म एंड ऑप्शन डी मेसोग्लिया। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज एक्टोडर्म। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर टू देयर करेक्ट फंक्शंस, सो फर्स्ट साइड में दिया है ए टेस्टिस, बी ओरी, सी पेनिस एंड ए यूटेरस। सेकंड साइड में दिया है कॉपुलेटरी ऑर्गन, सेकंड वन इज एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, थर्ड वन इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फोर्थ वन इज ओजेनेसिस। सो यहाँ पे जो ए बी सी डी ऑप्शन दिए है उसमें से डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ सिल्क वर्म, ऑप्शन ए सलाइवा इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर पेंट, ऑप्शन बी वर्म इज यूज्ड एज मैन्युअर, ऑप्शन सी सिल्क एंड गट प्रोडक्शन एंड ऑप्शन डी सीक्रेट सलाइवा फॉर पर्ल फॉर्मेशन। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज सिल्क एंड गट प्रोडक्शन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्डियक मसल इज, ऑप्शन ए स्मूथ इनवॉलेंट्री, ऑप्शन बी स्ट्राइटेड वॉलेंट्री, ऑप्शन सी स्ट्राइटेड इनवॉलेंट्री एंड ऑप्शन डी स्मूथ वॉलेंट्री। सो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज स्ट्राइटेड इनवॉलेंट्री। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इस्टर एंड अदर लिपिड्स इन द कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ द आर्टेरियल वॉल्स लीड्स टू, ऑप्शन ए एथेरोस्क्लेरोसिस, ऑप्शन बी टाइस कैच डिसीज, ऑप्शन सी गॉचर डिसीज एंड ऑप्शन डी फैटी लिवर। तो
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पिंगोमाइलिन कंटेन्स द नाइट्रोजनस बेस, ऑप्शन ए सेरीन, ऑप्शन बी लाइसोलेक्टिन, ऑप्शन सी कोलिन एंड ऑप्शन डी ग्लिसरॉल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज कोलिन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज इनकरेक्ट। तो पहले साइड में दिया है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज, उसमें ए वन ग्रिकिज डिसीज, बी पंपिज डिसीज, देन ऑप्शन सी लिमिट डेक्सट्रोनोसिस एंड ऑप्शन डी मैक एडली डिसीज। तो इसमें से जो ऑप्शन डी है दैट इज करेक्ट वन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर ए नॉर्मल पर्सन द ब्लड ग्लूकोज लेवल रीचेस मैक्सिमम इन, ऑप्शन ए 15 मिनट्स, ऑप्शन बी 1 आवर, ऑप्शन सी 2 आवर्स एंड ऑप्शन डी 2.5 आवर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 1 आवर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नियन हाइड्रेन रिएक्शन इज स्पेसिफिक टू, ऑप्शन ए एमिनो कार्बोजेलिक एसिड्स, ऑप्शन बी कार्बोजेलिक एसिड्स, ऑप्शन सी एल्डिहाइड्स एंड ऑप्शन डी कीटोन्स। तो इसका करेक्ट आंसर है एमिनो कार्बोजेलिक एसिड्स, दैट इज ऑप्शन ए। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिपेलाइंस आर, ऑप्शन ए डिराइव लिपिड्स, ऑप्शन बी सिंपल लिपिड्स, ऑप्शन सी फॉस्फोलिपिड्स एंड ऑप्शन डी वैक्सेस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज फॉस्फोलिपिड्स। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश डैश प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एज PO4 एक्सेप्टर इन माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑप्शन ए ATP, ऑप्शन बी AMP, ऑप्शन सी CAMP एंड ऑप्शन डी ADP। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ADP। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस हार्मोन दैट इंक्लूसेस द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डिस्टल ट्यूबल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स एट किडनी, ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी वैसोप्रेसिन, ऑप्शन सी थायरोग्लोबिन एंड ऑप्शन डी प्रोलैक्टिन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज वैसोप्रेसिन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन आवर बॉडी इज, ऑप्शन ए 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, ऑप्शन बी 100 to 150, ऑप्शन सी 140 to 250 एंड ऑप्शन डी 50 to 100। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 140 to 250 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड इज कलेक्टेड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ फिलारिसिस ड्यूरिंग, ऑप्शन ए अर्ली मॉर्निंग, ऑप्शन बी डे टाइम, ऑप्शन सी इवनिंग एंड ऑप्शन डी नाइट टाइम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज नाइट टाइम। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्ल लैंडस्टीनर डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप मेथड इन द ईयर, ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1900 एंड ऑप्शन डी 1905। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 1900। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड स्मेयर एनालिसिस कैन बी यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, ऑप्शन ए डेंगू फीवर, ऑप्शन बी वायरल फीवर, ऑप्शन सी टाइफाइड एंड ऑप्शन डी मलेरिया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज मलेरिया। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन ए IgD, ऑप्शन बी IgM, ऑप्शन सी IgA एंड ऑप्शन डी IgE। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज IgA। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ओ ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल्स द सीरम कंटेन्स बोथ, ऑप्शन ए एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज, ऑप्शन बी ए एंड बी एंटीजेन, ऑप्शन सी ओनली एंटी ए एंटीबॉडी एंड ऑप्शन डी ओनली एंटी बी एंटीबॉडी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ नॉर्मल प्लेटलेट काउंट, तो यहाँ पे ए बी सी एंड डी ऑप्शन दिए, उसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज 2 लाख
50,000 per cubic mm. Then the next question is, PAGE is a technique of separation of dash dash based on their molecular weight and change density. Option A, proteins. Option B, sugars. Option C, lipids. And option D, vitamins. So correct answer is option A, that is proteins. Then the next question is, Amish test is used to, option A, detect bacteria. Option B, detect virus. Option C, detects enzymes. And option D, detects mutagens. So correct answer is option D, that is detects mutagens. Then the next question is, which type of immunoglobulin is called as reaginic antibodies? Option A, IgA. Option B, IgG. Option C, IgM. And option D, IgE. So correct answer is option D, that is IgA. Then the next question is, the principles of Sanger's method relies on, option A, use of chemicals for base specific cleavage. Option B, use of DNTP for chain termination. Option C, use of DDNTP for chain termination. And option D, use of chemicals for P32 chain termination. So correct answer is option C, use of DDNTP for chain termination. Then the next question is, which of the following technique is used in the separation of DNA? Option A, Western blotting. Option B, Northern blotting. Option C, Southern blotting. And option D, flow cytometry. So correct answer is option C, that is Southern blotting. Then the next question is, erythrocytes are non-nucleated cells that contain the heaviest element called, option A, erythropoietin. Option B, hemoglobin. Option C, fibrinogen. And option D, bilirubin. So correct answer is option B, that is hemoglobin. Then the next question is, who devised a system of classification based on the cellular organization of organisms? Option A, Carl Wolfs. Option B, Carlos Linnaeus. Option C, Carl Landsteiner. And option D, Ernst Haeckel. So correct option is answer A, Carl Wolfs. Then the next question is, interferons inhibits the synthesis of, option A, viral RNA and proteins. Option B, viral DNA and proteins. Option C, viral proteins. And option D, antiviral activities. So correct answer is option A, that is viral RNA and proteins. Then the next question is, the cat scratch disease of domestic cats is caused by, option A, Yersinia pestis. Option B, Leptospira. Option C, Bartholina henseli. And option D, Brucella species. So correct answer is option C, that is Bartonella henseli. Then the next question is, the bacterial stock cultures are preserved at -196°C by using one of the following. Option A, liquid nitrogen only. Option B, liquid hydrogen only. Option C, liquid nitrogen with glycerol. And option D, liquid hydrogen with glycerol. So correct answer is option C, that is liquid nitrogen with glycerol. Then the next question is, urease test was done to identify the following bacteria. Option A, Mycobacterium. Option B, Salmonella. Option C, Citrobacter. And option D, Proteus species. So correct answer is option D, that is Proteus species. Then the next question is, codon dictionary was formulated by, option A, Wobble. Option B, Watson and Crick. Option C, Kornberg. And option D, Nirenberg and Khurana. So correct answer is option D, that is Nirenberg and Khurana. Then the next question is,
The biological indicator commonly used to check the autoclaving process is option A, spores of bacillus, option B, spores of clostridium, option C, spores of bacillus subtilis, and option D, both A and B. So correct answer is option D, that is both A and B. Then next question is, who is called as father of microbiology? Option A, Robert Koch, option B, Antony van Leeuwenhoek, option C, Edward Jenner, and option D, Louis Pasteur. So correct answer is option B, that is Antony van Leeuwenhoek. Then the next question is, genetically modified strain of P. putida PR103 in soil microgerms degraded the herbicides. Option A, uranium, option B, ferrous sulfate, option C, 2,4-D, that is 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, and option D, dimethyl formic acid. So correct option is option C, that is 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. Then the next question is, the microorganisms deliberately used during World War II was option A, Clostridium botulinum, option B, Bacillus anthracis, option B, Bacillus anthracis, option C, Vibrio cholerae, and option D, Yersinia pestis. So correct answer is option B, that is Bacillus anthracis. Then the next question is, MPN test is used to check the option A, quality of water, option B, pollution of water, option C, pollutant of water, and option D, cleaning of water. So correct answer is option A, that is quality of water. Then next question is, PVU first isolated from Proteus vulgaris is an example for option A, type 1st restriction enzyme, option B, type 2nd restriction enzyme, option C, type 3rd restriction enzymes, and option D, type 4 restriction enzyme. So correct answer is option B, that is type 2nd restriction enzyme. Then the next question is, Geotrichum candidum is known to produce option A, invertase enzyme, option B, pectinase enzyme, option C, lipase enzyme, and option D, amylase enzyme. So correct answer is option C, that is lipase enzyme. Then the next question is, the last stage of anaerobic digestion in the production of biogas is option A, acidogenesis, option B, methanogenesis, option C, acetogenesis, and option D, hydrolysis. So correct answer is option B, that is methanogenesis. Then the next question is, PVC and polyamides are deteriorated by option A, Flavibacterium species, option B, Streptococcus pyogenesis, option C, Streptomyces griseus, and option D, Streptomyces rutiverticoli. So correct answer is option D. Then the next question is, the peptide hormone insulin is synthesized and secreted by one of the following type of cells present in isolates of Langerhans. Option A, beta cells, option B, alpha cells, option C, delta cells, and option D, gamma cells. So correct answer is option A, that is beta cells. Then the next question is, penicillin G plus produced by option A, penicillin chrysogenum, option B, penicillin notatum, option C, penicillin griseopulvin, and option D, penicillium species. So correct answer is option A, that is penicillium chrysogenum. Then the next question is, the introduction of microorganisms in the contaminated soil to facilitate biodegradation is known as option A, biostimulation, then option B is in situ bioremediation, option C, bioaugmentation, and option D, bioventing. So correct answer is option C, that is bioaugmentation. Then next question is,
in which edition of International Code of Botanical Nomenclature, that is ICBN, the world taxon has been introduced? Option A, 1950, option B, 1956, option C, 1959, and option D, 1968. So correct answer is option B, that is 1956. Then the next question is, the modern equivalent of the natural order by the ICBN is option A, family, option B, order, option C, genus, and option D, species. So correct answer is option A, that is family. Then the next question is, charopsis is a type of fruit in angiospermic plants which signifies that option A, pericarp differentiated into epicarp and mesocarp, option B, pericarp fused with seed coat, option C, pericarp free from seed coat, and option D, pericarp not formed. So its correct answer is option B, that is pericarp fused with seed coat. Then the next question is, which cell organelle is anabolic? Option A, mitochondria, option B, ribosomes, option C, Golgi bodies, and option D, chloroplast. So its correct answer is option D, that is chloroplast. Then the next question is, the predominant constituent elements in terms of percentage in the protein molecule is option A, hydrogen, option B, carbon, option C, oxygen, option D, nitrogen. So correct answer is option B, that is carbon. Then the next question is, which organelle has all the enzymes necessary for the complete oxidation of pyruvic acid to CO2 and water? Option A, chloroplast, option B, mitochondria, option C, ribosomes, and option D, lysosomes. So correct answer is option B, that is mitochondria. Then next question is, find the family which is not showing crassulacean acid metabolism. Option A, cactaceae, option B, agavaceae, option C, portulaceae, and option D, anonaceae. So correct answer is option D, that is anonaceae. Then the next question is, wonderplasm is found in the young oogonium of option A, oodogonium, option B, cladophora, option C, chara, and option D, Wolcheria. So correct answer is option D, that is Wolcheria. Then next question is, Puccinia recondita causes dash dash rust of wheat. Option A, black, option B, yellow, option C, brown, and option D, white. So correct answer is option C, that is brown. Then the next question is, bryophytes do not grow tall because option A, they have poorly developed sex organs, option B, they lack xylem and phloem tissues to conduct water and food, option C, their sporophytes produce spores, and option D, they possess rhizoids to absorb water. So its correct answer is option B, that is they lack xylem and phloem tissues to conduct water and food. Then the next question is, which of the following biogeochemical cycles has both atmospheric phase and a lithospheric phase? Option A, carbon cycle, option B, nitrogen cycle, option C, phosphorus cycle, and option D, sulfur cycle. So its correct answer is option D, that is sulfur cycle. Then the next question is, vegetation of Sundarbans is option A, deciduous type, option B, temperate evergreen, option C, mangrove type, and option D, desert type. So its correct answer is option C, that is mangrove type. Then the next question is, viviparous may be described as option A, germination of seed with cotyledons under the soil, option B, germination of seed with cotyledons above the soil, option C, development of seedlings within an attached fruit, and option D, formation of fruit without pollination. So its correct answer is option C, that is development of seedlings within an attached fruit.
The next question is, which source of linoleic acid is? Option A, safflower oil. Option B, corn oil. Option C, groundnut oil. And option D, mustard oil. So, its correct answer is option A, that is safflower oil. The next question is, opium is obtained from? Option A, papaver somniferum. Option B, papaya carica. Option C, Thia sinensis. And option D, digitalis purpurea. So, its correct answer is option A, that is papaver somniferum. उसको हम ओपियम पॉपी ऐसा भी कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। The next question is, a medicine for bronchitis is obtained from? Option A, राहुलफिला सर्पेंटिनन। Option B, कुर्कुमा लौंगा। Option C, एडाट्रोडा वेसिका। And option D, हेमिडेस्मस इंडिकस। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज एडाट्रोडा वेसिका। Then next question is, the phenomenon of linkage was first observed in the plant of? Option A, Lathyrus odoratus. Option B, Pisum sativum. Option C, Cucurbita pipo. And option D, Mirabilis jalpa. Uska correct answer is option A, that is Lathyrus odoratus. The next question is, match the following. The phenotypic ratio of F2 generation is? Small a medi I. Complementary gene interaction. Option B, dominant epistaxis. Option C, recessive epistaxis. And option D, duplicate genes with cumulative effect. The right answer may be option 1, 12S2-3S2-1. Second may be 9S2-6S2-1. Third may be 9S2-3. And fourth may be 9S2-3S2-4. So, yahan pe jo A, B, C, D, 4 options hai, usme se correct answer hai option C. Then the next question is, restriction fragment length polymorphism, that is RFLP, is used to identify a specific. Option A, protein. Option B, DNA. Option C, RNA. And option D, both DNA and RNA. So its correct answer is option B, that is RFLP is used for DNA identification. Then next question is, the vascular cambium and cork cambium are the examples of? Option A, apical meristem. Option B, lateral meristem. Option C, intercalary meristem. Option D, elements of xylem and phloem. So, its correct answer is option B, that is lateral meristem. The next question is, presence of Casparian strip is characteristic feature of? Option A, endodermis. Option B, exodermis. Option C, epidermis. And option D, pericycle. So, its correct answer is option A, that is endodermis. Then the next question is, the concept of nature man spirits complex proposed by? Option A, T.N. Madan. Option B, A.C. Mayer. Option C, L.P. Vidyarthi. And option D, D.N. Majumdar. So, its correct answer is option C, that is L.P. Vidyarthi. The next question is, the Lascaux cave is located in? Option A, Europe. Option B, France. Option C, Australia. And option D, China. So, its correct answer is option B, that is France. Then next question is, rites symbolizing birth, marriage and death are called? Option A, initiation rites. Option B, rites of passage. Option C, rites of reversal. And option D, rites of confirmation. So, its correct answer is option B, that is rites of passage. Then the next question is, who among the following critiqued the so-called Western theories of kinship by accusing its supporters of being ethnocentric? Option A, Levi-Strauss. Option B, Edmund Leach. Option C, Robin Fox. And option D, David M. Sander. So, its correct answer is option D. Then next question is, who has proposed the concepts of dominant caste? So, option A, L.P. Vidyarthi. Option B, F.G. Bailey. Option C, M.N. Srinivas. And option D, S.C. Dubey. Your printing mistake ho gaya question mein,
कैश के बदले कास्ट है. दैट इज क्वेश्चन इज हु हैज प्रपोज्ड द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट. तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज M.N. श्रीनिवास. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मसाई इज द ट्राइब ऑफ. ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी नॉर्थ अमेरिका एंड ऑप्शन डी अफ्रीका. तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज अफ्रीका. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडेप्टेशन. ऑप्शन ए बेनिफिशियल एडजस्टमेंट, ऑप्शन बी कॉन्शियस चॉइस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आर फॉल्स. तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर ट्रू. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जूनियोलॉजिकल मेथड वॉज इन्वेंटेड इन एंथ्रोपोलॉजी बाय. ऑप्शन ए WHR रिवर्स, ऑप्शन बी मेयर फोर्टिस, ऑप्शन सी एडमंड लिच एंड ऑप्शन डी रेमंड पर्थ. तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज WHR रिवर्स. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर्मल कस्टम ऑफ अ मैन टू मैरी अ वुमन ऑफ द कैटेगरी ऑफ हिज मदर्स ब्रदर्स डॉटर्स मीन. ऑप्शन ए रिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज, ऑप्शन बी जनरलाइज एक्सचेंज, ऑप्शन सी डिलेड एक्सचेंज एंड ऑप्शन डी नो एक्सचेंज. तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज जनरलाइज एक्सचेंज. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूज ऑफ फिंगरप्रिंट फॉर आइडेंटिफिकेशन इज नोन एज. ऑप्शन ए डेक्टिलोग्राफी, ऑप्शन बी एंथ्रोपोमेट्री, देन ऑप्शन सी लिम्नोलॉजी एंड ऑप्शन डी पेलिनोलॉजी. सो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज डेक्टिलोग्राफी. यहाँ पे जो एंथ्रोपोमेट्री मीन्स मेजरमेंट्स ऑफ द बॉडी एंड ऑप्शन सी दैट इज लिम्नोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लेक्स एंड ऑप्शन डी पेलिनोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन रेस वॉज डन बाय. ऑप्शन ए IP सिंह, ऑप्शन बी DP मुखर्जी, ऑप्शन सी SS सरकार एंड ऑप्शन डी PC विश्वास. तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज SS सरकार. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डार्विन्स थ्योरी वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द. ऑप्शन ए नेचुरल सिलेक्शन, ऑप्शन बी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ऑप्शन सी वेरिएशन एंड ऑप्शन डी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज वेरिएशन. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑस्टियोपोरोसिस. ऑप्शन ए डिसीज कैरेक्टराइज बाय द थिनिंग ऑफ बोन्स, ऑप्शन बी बोन मैरो डिसीज, ऑप्शन सी स्केलेटल वीकनेस, ऑप्शन डी बोन डेंसिटोमेट्री. तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज डिसीज कैरेक्टराइज बाय द थिनिंग ऑफ बोन्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेफेलोकॉडल बोन्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन. ऑप्शन ए स्कल स्टर्नम पेल्विस फीमर टिबिया, ऑप्शन बी स्टर्नम पेल्विस स्कल फीमर टिबिया, ऑप्शन सी स्कल पेल्विस स्टर्नम फीमर टिबिया एंड ऑप्शन डी स्कल पेल्विस स्टर्नम टिबिया एंड फीमर. तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज स्कल स्टर्नम पेल्विस फीमर एंड टिबिया. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन सेट इज नॉट करेक्टली मैच. ऑप्शन ए हैडी वेरनबर्ग इक्विलिब्रियम जीन फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस स्किन कलर, ऑप्शन सी मल्टीपल एलील्स ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड ऑप्शन डी स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर ऑफ हीमोग्लोबिन थैलेसीमिया. तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सोलॉजी मीन्स. ऑप्शन ए द स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स, ऑप्शन बी द स्टडी ऑफ एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन सी द स्टडी ऑफ सबस्टेंशियस पैटर्न एंड ऑप्शन डी द स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कुलर DNA इज फाउंड इन. ऑप्शन ए राइबोसोम्स, ऑप्शन बी गोल्गी बॉडीज, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन डी लाइसोसोम्स. तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज राइबोसोम्स. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
chose the specific order of insect metamorphosis. So उसके A, B, C and D option दिए, उसमें से correct answer है option C, that is egg, larva, pupa and imago. Then the next question is, the scrutiny of established matings is called. Option A, pedigree analysis. Option B, karyotyping. Option C, amniocentesis. And option D, dominance. So उसका correct answer है option A, that is pedigree analysis. Then the next question is, in which character vertebrates do differ from invertebrates? Option A, xylem. Option B, tail. Option C, brain cord. Option D, dorsal tubular nerve cord. So उसका correct answer है option D, that is dorsal tubular nerve cord. Then the next question is, which parts are required for the process of regeneration to occur in Hydra, a lower form of phylum Coelenterata? Option A, epididermis, gastrodermis and hypostome. Option B, tentacles, epididermis and hypodermis. Option C, mouth, tentacles and endodermis. Then option D, pedal disc and basal disc. So uska correct answer hai option A, that is epidermis, gastrodermis and hypostome. So friends, yahan tak 100 questions complete ho gaye. Remaining questions hum next part mein dekhenge. So remaining 100 questions we will be seeing in the next video. Thanks for watching our channel Forensic Search. Thank you.